हाय गाइस, आज मैं आया हूँ साईं बाबा मंदिर शिरडी धाम में। आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, कहाँ पर रुक सकते हैं और बताऊँगा सभी प्लेसेस के बारे में, तो प्लीज़ अंत तक जुड़े रहे इस वीडियो के साथ। शिरडी साईनाथ मंदिर में आप बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय रोड आ सकते हैं। आप आते हैं बाय रोड तो सबसे नज़दीकी बस स्टॉप है शिरडी बस स्टॉप, जो साईं बाबा के मुख्य मंदिर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर सभी छोटे बड़े शहरों से जैसे कि अहमदाबाद, बड़ौदा, पुणे, नासिक से लग्जरी बसों के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट की बसें भी चलती हैं, जो आपको छोड़ेगी शिरडी बस स्टॉप पे, जहाँ से साईं बाबा के मुख्य मंदिर जाने के लिए आसानी से ऑटो मिल जाएगी। साई नगर शिरडी रेलवे स्टेशन शिरडी का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जिसकी दूरी है मात्र 3 किलोमीटर की। वहीं दूसरा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कोपरगांव, जो मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर है। पर आप किसी ऐसे राज्य से आते हैं जहां से कोपरगांव के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा नहीं है, तो आप आ सकते हैं मनमाड़ रेलवे स्टेशन पर, जिसकी दूरी है 58 किलोमीटर की, जहां से आपको लगभग सभी राज्यों के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। आप आना चाहते हैं बाय एयर तो शिरडी में एयरपोर्ट भी बना हुआ है, जो 14 किलोमीटर की दूरी पे है, पर वहाँ से फ्लाइट्स का रूट काफ़ी रेयर रहता है। शिरडी में स्टे करने के लिए श्री साईं बाबा संस्थान की ऑनलाइन वेबसाइट online.sai.org.in से हमें भक्ति निवास में रूम बुक करवा लेना होता है। साईं बाबा संस्थान के द्वारा 3 भक्ति निवास स्थान बने हुए हैं, जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको डोरमेटिक, एसी, नॉन एसी, लग्जरी या फिर आते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ तो यहाँ पर आपको फैमिली रूम भी मिल जाएंगे। आप जल्दी से दर्शन करना चाहते हैं तो पेड़ दर्शन भी यहाँ पे होते हैं, जिसके लिए पर पर्सन आपको खर्च करने पड़ेंगे 200 रुपये। इनके सभी गेटों के सामने आपको लॉकर स्टॉल मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपना कीमती सामान रख सकते हैं। शिरडी बस स्टैंड के सामने ही पड़ता है खंडूबा मंदिर। साईं बाबा सबसे पहले शिरडी में यहीं पर आए थे और इसी वजह से शिरडी में इस स्थान का काफ़ी महत्व है। बिल्कुल मंदिर के सामने है साईं शिव सागर वेज होटल, यहाँ पे आप अपना मनपसंद खाना खा सकते हैं। साईं बाबा का ये मंदिर सुबह को 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक खुला रहता है। इस दौरान आप कभी भी साईंनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप लेना चाहते हैं लाभ आरती का, तो इस मंदिर में होती है 3 टाइम आरती, सुबह 11 बजे, दोपहर 1:30 बजे और रात के 10 बजे। आप अगर भीड़ से बचना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार या फिर शुक्रवार के दिन। गुरुवार के दिन आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरुवार साईं बाबा जी का दिन है और शनिवार रविवार को वीकेंड के हिसाब से यहाँ पर बहुत भीड़ लगती है। मेरे पीछे जो अभी आप देख रहे हैं वो है मंदिर में जाने के लिए 2 नंबर का गेट, जहाँ से आप फ्री में अंदर जा सकते हैं। और इसके बिल्कुल सामने ही है ये लॉकर रूम, जहाँ पे आप अपना कीमती सामान रख सकते हैं। उसके बिल्कुल पीछे आता है ये फूड जोन। शिरडी की बाजार है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से परचेस कर सकते हैं। मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पे बना है साईं प्रसादालय, जहाँ पर गर्मा गर्म और स्वादिष्ट भोजन को परोसा जाता है। हमारी थाली में 2 प्रकार की सब्जी, दाल, चावल और रोटी है, जो बनती है इनके विशाल रसोई घरों में। यहाँ पे तकरीबन 3,000 लोग एक साथ बैठकर प्रसाद का आनंद ले सकते हैं। आप अगर शिरडी में आते हैं तो 3 घंटे का समय निकालकर साईं तीर्थ थीम पार्क की विजिट अवश्य से करें, जहां पर साईंनाथ जी के पूरे जीवन चरित्र को दिखाया जाता है और ये साईं बाबा के मुख्य मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है। साईं तीर्थ के बिल्कुल बगल में है पार्किंग के लिए इनका ये विशाल एरिया, जहाँ पर आप अपने व्हीकल को पार्क कर सकते हैं। मैं अभी पहुंच चुका हूँ साईं तीर्थ थीम पार्क में, जहाँ पर द्वारिका माई, लंका दहन, तीर्थ यात्रा और सबका मालिक 1 के मूवी शो को दिखाया जाता है। इसकी एंट्री टिकट जो एडल्ट के लिए है फूड के साथ 582, विदाउट फूड 530 और बच्चों के लिए फूड के साथ 464, विदाउट फूड 4102, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। मैंने मेरी टिकट को कलेक्ट कर लिया है, तो चलो चलते हैं अंदर। साईं थीम पार्क में एंटर होते ही सबसे पहले आपको नजर आएगा ये खूबसूरत नज़ारा, जो दिन में कुछ ऐसा नज़र आता है, पर रात में तो इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है।
अंदर एंटर होते ही सबसे पहले जो आता है वो है तीर्थ यात्रा, जहाँ पर हमें एक छोटी सी ट्रेन में बैठना होता है जो हमें सैर करवाती है इंडिया के 10 पॉपुलर टेम्पल के, जिसकी शुरुआत होती है मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर के गणपति बापा से। सिद्धि विनायक के दर्शन करते हुए आप पहुँच जाओगे जगत के तारणहार द्वारकाधीश मंदिर के द्वारिका में, द्वारिका से केदारनाथ, केदारनाथ से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से पनारपुर की यात्रा करते हुए आप पहुंच जाओगे गोल्डन टेंपल अमृतसर में। अमृतसर दर्शन के बाद जहां से चार धाम की यात्रा की शुरुआत होती है यानी पूरी जगन्नाथ मंदिर में, उसके बाद आप जाओगे दक्षिण के खूबसूरत मीनाक्षी टेंपल में, उसके थोड़ा आगे ही आपको मिलेंगे तिरुपति बालाजी के दर्शन, जहाँ से आगे जाने पर आपको नजर आएगी साई बाबा जी की ये द्वारिका माई। तो आप अनुमति दें साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है लंका देन, जिसमें आप आनंद ले सकते हैं 5D का। ये जितना वीडियो में खूबसूरत दिख रहा है उसे कहीं गुना ज्यादा बेहतर आप महसूस कर पाओगे जब आप यहाँ की विजिट करोगे। परंतु प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सबका मालिक एक। दिए जल रहे हैं बाबा। बाबा, हमने भी दीपावली मनाई। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है द्वारिका माई। जिस मन में श्रद्धा और सबूरी है उसके बुलाने पर तो सही को आना ही पड़ेगा। साईं तीर्थ थीम पार्क के ठीक बगल में पड़ता है ये वाटर पार्क। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें।